हमारे पास सुपर ओवर में आ रहे हैं पहलवानों के कैपिटल गुजरांवाला से खास मेहमान। एक ने अखाड़े में बड़े बड़े सुरमाओं को चित किया है, जबकि दूसरे मेहमान सियासी अखाड़े में बयक वक्त कई पहलवानों के साथ जोर आजमा है। पहलवानी की दुनिया का रोमांस और परी पैकर आपकी तालियों में गोगा पहलवान और उनके साथ आ रहे हैं नून लीग के सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर शुएब बट। गोगा पहलवान साहब और शुएब बट साहब, ए लॉरी गेट तो तुसी एंट्री मारी है, मैनू दसो के की ले आयो साढ़े लिए? पावे ले आयो, ए तिलां वाले कुलचे ले आयो, ए रोगनी नान ले आयो, ए कीमे वाले नान ले आयो, या कूड़ा वड्डा जी? डॉक्टर साहब शुक्र करें आपका वेट कम हो गया, आपके अभी भी नजर पायो पे ही है। शुएब बट साहब, ये बट तो इतना पायों का शौकीन है, मेरे तख्त के पाए उतार कर भी खा गया है। पाइडाउन बट साहब, मेरे वजन की तरफ पॉइंट करके आप मुझे खाबों से डिवर्ट कर रहे हैं। ले नून लीग तो हैगी खाबे वाली पार्टी। ये परसेप्शन आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, काम करने वाली पार्टी है। पूरे पाकिस्तान में जितने काम है नून लीग ने किए हैं, और कोई करके तो दिखाए। बेशक जी, हेलीकॉप्टर श्री पावे भी उतरे गए सी। ये भी परसेप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं। गोगा जी, आपका कुंडा पूरी दुनिया में मशहूर है, आज क्या करेंगे? कुंडा लाएंगे? जरूर लाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने नहीं लाना है। कुंडा तो ताड़ा जर्मनी तो भी ज्यादा मशहूर होया। ए दसो के कला जान ताड़ा फेवरेट मूव हैगा सी या पटका? कुंडा ही सी बस। कुंडा बाकी आए सर। शुएब बट साहब, आपने सियासत और पहलवानी को बड़े करीब से देखा है, मुझे ये तो बताएं कि इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए जी, ये एक दोनों ही पैशन है अपने अपनी जगह पे। पॉलिटिक्स जो है वो खिदमत का नाम है, पहलवानी एक आर्ट है, और ये हमारा पुराना ज़माने से हमारे साथ चलता आ रहा है, हमारे शहर से। तो फ़र्क जो है वो बड़ा, ये एक आर्ट है और वो जो है खिदमत का नाम है। गोगा पहलवान जी और शुएब जी, होना तो यही चाहिए था कि आपको देख कर हमारे अंदर का चादर रुस्तमे जमा जाग उठता, लेकिन खिलाफ तवक्को हमारे अंदर की रकासा जाग उठी है, जो वालिहाना रक्स करते हुए ये कह रही है, सजिंदो 3-2-2-1-2। अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, शुएब भी होना खड़ाक करांगी, रख बदाम पगो के मैं औखी सौखी होके लंगर दा एतमाम करांगी, अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, शुएब भी होना खड़ाक करांगी। टमाटर लैके मैं देसी बकरे बिच पाए, ओ महंगे प्याज टमाटर लैके मैं देसी बकरे बिच पाए, बिल्द टेंशन पुल पुला के सोना ते मैं एसी चलाए, भावें तोड़ दे कोई असंबली ओदे दिल ते हकूमत कमली, पांच साल करांगी, अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, ते नानक वेब भी होना खड़ाक करांगी, अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, ते नानक वेब भी होना खड़ाक करांगी। बादशाह सलामत जिल्ले इलाही आपके लिए स्पेशल ट्रिब्यूट पेश किया है, और अमरोजिया बन के नचे ने, क्या कहेंगे आप? अंदर का जो असल आर्टिस्ट है इनका बाहर आया है, मैं तो बड़ा खुश हुआ जी। देखिए, आपका सारा प्रोग्राम ही माशाल्लाह बहुत आला है, बड़े शौक से मैं ये देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो सेगमेंट आपने रखा हुआ है, जिस तरह वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को,
मैंने देखा मुजीबुर रहमान, शामी साहब को, हामिद मीर साहब को, और ग्रीदा फरूकी साहिबा के लिए जो वेलकम इन्होंने सॉन्ग उधर भी प्ले किया था, बहुत आला था। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मेरे लिए भी, और गोगा पहलवान साहब मेरे शहर के प्राउड हैं, तो इनके लिए ये जो गाना इन्होंने किया है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ आपके लिए, आप और अल्लाह आपको इज्जत दे और आपकी सलामत। वाह वाह, मैं खुदा, हम तो सुबह से तिलो वाला नान लेकर बैठे थे कि गुजरां वाले से कोई आला सालन आएगा, लेकिन लगता है हमें वो नान चाय के साथ ही खाना पड़ेगा। ओ नान ऑफ योर बिजनेस, जिसको नान लिया सी उसको तुसी सालन भी मांग लेंदे। हद है अदब, नान हमने मांगा नहीं था, गुजरां वाले के हमारे बहुत अच्छे एक डॉक्टर साहब हैं, वो तरस खाकर हमें दे गए। गोगा जी, आप पहलवानों के खानदान से नहीं बिलोंग करते थे, मगर उस वक्त के सारे पहलवानों को आपने हराया, ऐसा तो तुसी उस टाइम दे पहलवान दे मोहम्मद रफी है किसी सन 64 तो लैके 87 थी करन लाल फजल ना जेड़ा ही पाकिस्तानी पहलवान होया, जारे पहलवान तो लैके राजू रैकट होया, जेड़े बड़े मशहूर है, इकराम लौरा ला होया, बिल्लू होया, कोई पाकिस्तान जे इंडिया दे बोलपुर दे साडे जनूबी पंजाब विच भी जिन्ने भी मुंडे होए ने, गलबर मैं कोई 125-150 कुश्ती खोलिया मैं एक बंदे ना, चार चार 125-150 कुश्ती, क्या बात क्या बात। एक बंदे ना चार मन राजू पुराना उदो इन्हां दा बड़ा नाम सी राजू रैकड़ दा, उदे नाल मैं चार कुश्तियां खोलियां, सत मैं सैफल दात पुत्रे नाल खोलियां, चार तो चार चार दो मैं डिगा पहनियां 72-71, फिर मैं 74-75 जणों टाले, दो उहनां दी दो ताड़ियां, हां फिर मैं रुस्तम पंजाब होया ते सादिक कुरैशी साहब ने मैनूं 25,000 रुपया दित्ता सी उदो कि जदों सन 74 विच इनाम नाल गुरज उहनां दित्ता सी, उस तों बाद फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी कीती है कि मेरी अपनी सोच तों बाद मैं 4,45,000 रुपया लिया कुश्ती खोलण दा। क्या बात क्या बात, गुजरांवाला शहर में तो बहुत अखाड़े हैं, बल्कि हर घर के नाल अटैच अखाड़ा होता है। मुझे ये बताएं कि आपने रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की शागिर्दी ही क्यों इख्तियार की? एक तो गल व्हाट्सएप है कि मेरा घर नज़दीक सी अखाड़े तो, अच्छा, तो फिर मैं उस अखाड़े ही चला गया रहीम पहलवान दे, तो फिर मैं उतों मेहनत करता करता अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि जिहड़ी मेरे खानदान सोच भी नहीं साडी, हाँ, हूँ दे टाइम दे मैं सो ये वेना जो बाहर मुंडे घोल के आते उन्होंने 50,00,000 रुपया इनाम दिता, मैं समझना उस वक्त का मेरा 2,000 चंगा सी, अच्छा, मैं जी जगह ली उ एक 5,000 की मेरी अच 4-5 crore की हो गई, मैं दो कनाल का घर है इंशाला, उस बाद सब तो व्डा मेरा घर है अल्लाह की रहमत है, फिर अगों अं शुरू हो जाने अपने बच्चों दादियाँ तीया भैन कमां, लेकिन इस दौर जिड़ी मुंडे मेहनत करते हैं उन्होंने मिलता कुछ नहीं, 50,00,000 की तो एक बंद मरला जगह नहीं मिलती, एड्डी महंगी जगह हो गई शहर। नहीं नहीं जी, 50,00,000 की तो कोई बदवा भी नहीं दे रहा अजकल। जी बा खुदा, गुजरा वाले में तो इतने अखाड़े हैं, इतने अखाड़े हैं, पहले इस शहर का नाम अखाड़ा शाकाकू होता था। रहीम सुल्तानी वाला बहुत बड़े पहलवान थे, मुझे बताएं कि उनकी स्पेशलिटी क्या थी, क्या चीज़ आपको उनकी सबसे अच्छी लगी? मैं पहली गल तो ये कि मेरे दिनों पुरान बनने तो पहलों जो फौत हो गया सन 44 च, मैं उन्होंने बेटे का शिगिरद बैठा हाँ, अच्छा, उन्होंने उस टाइम का रहीम पहलवान पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा रुस्तम हिंद हो जरा गामे पहलवान 2-2.5 घंटे कुश्ती घुलिया, अच्छा, तो खीर उन्होंने रियासत दौर बराबर छुड़ाता राजे महाराजिया ने, अच्छा, वो फिर वो भाई न इमाम बख्श पहलवान मेरे उस्ताद होरी घुले ने वो ही, फिर एक ये गल उन्होंने बड़ी मशहूर है कि गूंगे पहलवान के वालद साहब ने घुले सन, उन्होंने भी टा लिया ही, फिर बुढ़ापे चे पुत्र गूंगे ने भी टा लिया ही जिंदा नाम रहीम पहलवान होया, जिन्हें दुनिया तो उन्होंने तमाम पहलवाना ने उन्होंने मनिया रहीम पहलवान, तो अल्लाह के फजल ना उन्होंने ही दुआ ना ली, मैं मेरा भी यही हिसाब हो गया मेरे नाल वड्डे पहलवान होए ने, मैं सब ना घुलिया और सारे मैंने इस गल तो मनिया कि यार नहीं 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 तो बहुत 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 बड़ी बात है जी, बड़ी बात। रहीम पहलवान सुल्तानी वाले बहुत बड़े पहलवान थे, ऐ दसो भट्ट साहब के नून लीग का रहीम सुल्तानी नवाज शरीफ साहब हुए? डेफिनेटली जी, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, आप यू नेम द प्रोजेक्ट ऑफ एनी काइंड पाकिस्तान के जितने हैं सी पैक से लेके और मोटर वेस पे, और जरदारी साहब कहते हैं मैं करा ऐसे सी पैक, चले वो जरदारी साहब की बात तो वो उनके कोई जवाब देंगे, मुझे और आप सबको पता है जब आप उसको नज़र आती है जब चीज़ें तो वो होता है,
वो कागज़ों पे मंसूबे तो कई बनते हैं, कई कागज़ों में ही रह जाते हैं। उनके अलावा आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो कोई शेरशाह सूरी के बाद, जीटी रोड के बाद आपको कोई और प्रोजेक्ट नज़र ही नहीं आता। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछा दिया उन्होंने, और देखें मोटरवे मुल्तान तक चले गई है, इधर नॉर्दर्न एरियाज तक चलेगी। और ये चीज़ें हैं जहाँ पे लोग जो बातें करते थे जंगला बसों का नाम लेके मजाक उड़ाते थे, फिर उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया और अपने इलाकों में भी उन्होंने उस तरह की बस सर्विस चलाने की कोशिश की। चलें जी, मान लिया नवाज शरीफ साहब को, मगर ये मुझे बताएं कि राजू राकेट थे पप्पू पहलवान शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अगर आप पहलवानी को थोड़ा जानते हो तो राजू राकेट और पप्पू पहलवान ये इतने फुर्तीले और इतने तेज थे कि जो उनके मुखालफिन थे वो घबराते थे। अच्छा। और उनकी स्पीड से तो आप सही कह रहे हैं, और मियां शहबाज शरीफ साहब वाकई पॉलिटिक्स के राजू राकेट हैं, और इतनी स्पीड से उन्होंने काम किए हैं कि चाइना जैसा मुल्क भी उनकी तारीफ़ करता नज़र आता है। नहीं जी, देखिए तारीफ़ तो उनकी सभी करते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है और हम भीख नहीं मांग रहे, लेकिन आज आप हमें दे दें, थोड़ा सा समय चाहिए, हम मजबूर हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहूँगा कि जो लोग ऐसे हंसते बगैर कहना सीरियस हो। नहीं, सीरियस बात ही सीरियस है। जो लोग 3.5 सालों में इस मुल्क का ऐसा हाल बना गए, तो उस तो पहले 3 साल थे ताड़े सी, तो उसके नहीं नहीं है भी दस सुना भट्ट साहब, 3 साल पहले तुसी है किसी 2015 में आप देखे IMF का प्रोग्राम जो है वो सर 3 साल में तो नहीं हमारा बेड़ा गर्क हुआ, हमारा तो बड़ी देर से बेड़ा गर्क, तो 3.5 साल में हुआ। उससे पहले तो आप देखें ना, पेट्रोल की कीमतें देखें, आप खाने के अनाज के शुगर के कर्जे तो तभी भी चल रहे थे, कर्जे तो देखे, कर्जे तो 30 साल से चल रहे हैं हमारे और चलते जा रहे हैं। वो हर गवर्नमेंट आके कहती है जी इन्हें कितना उन्हें करके कितना, आप लोग जाएंगे वो आएंगे वो कहेंगे इन्होंने किया, असल केड़ा कर्जा पे आए थे। कर्जों की बात नहीं है, देखे बहुत बड़ी बड़ी फर्में भी कर्जों पे चलती है, कर्जा लेना को बुरी बात नहीं है, कर्जा उतारना भी अच्छी बात है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना जो है। देखिए आज तक किस गवर्नमेंट ने कर्जा उतारा आप मुझे बता दें, आप लोगों ने तो कभी नहीं उतारा। प्रोग्राम रोल बैक हुआ लास्ट गवर्नमेंट में जो हमारी नून लीग की गवर्नमेंट थी, आप इसको स्टडी करके देख लें। मैं तो स्टडी करके तो अंदाजा रोल बैक हुआ। हाँ चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं खुदा हाफिज कह दिया, आप लोगों ने बहुत बड़ा बोल्डली कहा था कि जी हम लोग 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ने नहीं देंगे। पहला सलाम करा तेनु पहलवाना, पहला सलाम करा अरे तेनु पहलवाना, जे असी मिलन आया तू उठ के नी जाना, जे असी मिलन आया तू उठ के नी जाना, पहला सलाम करा। अरे वेलकम वेलकम भाई, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम भट्ट जी। वाह वाह नुसतारा, गुलुकारों और अदाकारों के पीछे तो आपको यहाँ आते हुए देखा है, आज पहलवान के पीछे भी आ गए हो। हाय गुलुकार ते अदाकार छड़ परे ना गलनु, सब तो पहला मेरा जरा क्रश सी, जड़ी मेरी रोमांस सी, वो पहलवानी सी ना। अच्छा, मैं तो जब छोटी थी ना तो दोनों पुनिया पकड़ के गाया करती थी, टमा टमा गोगे टमा टमा गोगे टमा। बस फिर मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, मेरी शादी पहलवान की बजाय मेरे वालदान ने ब्यूरोक्रेट से कर दी। हम ये गलती नहीं करना चाहते नुसरत आरा, हालांकि ब्यूरोक्रेट तो हम पे बहुत मेहरबान है, लेकिन हम किसी पहलवान किसी रिश्ते में जमा को दिल देंगे। हाँ, दिल जिन मर्जी दें, बिल ब्यूरोक्रेट नहीं दें। नुसरत आरा, आप भी बिजली के बिल से परेशान है? बिजली के बिल से हर बंदा तंग है, सवाए उसके जिसके यूनिट्स मुफ्त होते हैं। यकीन करो भट्ट जी, जब बिजली के 1000 यूनिट इस्तेमाल होते हैं ना तो इंसुलिन के 1500 यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं। अरे इस उम्र में आपका गोगा पहलवान पे क्रश एडमिट करना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अंग्रेज बुढ़ापे में इजहार गुनाह कर रहा होता है। हाँ, उसी गलती की सजा भुगत रही हूँ भट्ट जी। आप यकीन करो, जब गोगा जी की और अपना जारा पहलवान की कुश्ती हुई थी ना, मैंने तो उसी वक्त अपने दाएं बाजू पर ना गोगा जी के नाम का टैटू बनवा लिया था। तो वो टैटू घर वालों ने नहीं देखा? नहीं, मैं जब घर जाती थी तो बाजू पे प्लास्टर चढ़ा लेती थी। जब अब्बा जी मुझे मालिश के लिए कहते थे ना तो मैं लेफ्ट हैंड से अब्बा जी की मालिश करती थी। अच्छा। तो अब्बा जी मुझे कहते थे कि राइट हैंड से क्यों नहीं करती, मैंने कहा मैं क्रिस गेल की तरह लेफ्ट हैंडेड हूं। तुम तो गोगा जी की बहुत बड़ी आशिक थी, तुम्हारे पास उनकी कुश्तियों के वीडियो फिल्म्स तो होंगे। जिस तरह शेन वॉन के पास अब्दुल कादर की बॉलिंग के सारी वीडियोस मौजूद थी ना, वो देखा करते थे, इसी तरह मेरे पास गोगा जी की भी वीडियोस थी सारी कुश्तियों की, लेकिन मेरे हस्बैंड कमबख्त ने उसके ऊपर सड़क फिल्म के गाने भरवा लिए। आधी पे सड़क फिल्म के, आधी के चंकी पांडे के।
बड़ा कूड़ा ताई था। जब बाबड़ा यूनिवर्सिटी में मैं डांस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट थी ना। डांस कम्युनिकेशन कोई गल लंगड़ भी दिया कर हमारी तो लेटर बॉक्स या हर गल चाह जाता। तो मेरी सारी सहेलियां एक साइड पे खड़ी होकर गाया करती थी कोको करीना कोको करीना। तो मैं एक साइड पे बैठ के दिल में यही सोचती रहती थी ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, तू सिर्फ बनी है गोगे पलवान के लिए। सुपर ओवर के अंदर एक म्यूजिकल गेस्ट की एंट्री होने वाली है। इनको पाकिस्तान की लता मंगेशकर भी कहा जाता है। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम सरवत जी। गोगा जी आपके लिए आज स्पेशल, आप जो गाना कहेंगे सरवत जी आपके लिए गाएंगे। चुन लिया मैंने तुझे अपना सारा शहर छोड़ के। अच्छा वो गाना गए? वाह 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 क्या बात है, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। जी ने अपना मकसद भी बयान कर देता और मुल्क भी बचा लिया सारा। सारा ध्यान छड़ के सिर्फ अपना शहर ही छोड़ दिया। हालांकि जगह तू हूं तू आना भी नहीं छड़ना। बड़ा प्राउड मोमेंट है आपके लिए और हमारे लिए। जी जी पहलवान साहब ने जो गाना चूज किया मलका तरन्नम नूर जहां के लिए जी, तो आप उनके ग्रैंडसन भी हैं, ये तो आपके लिए भी इस वक्त मैं समझता हूँ बड़ा प्राउड मोमेंट। जी जी बेशक। मैं इस वक्त पे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि मैडम नूर जहां थी अल्लाह ताला ने 27वीं रात को वो वफात पाया पाई, तो किसी ने कहा जी ये तो आप कहते हैं 27वीं रात पर जो फौत होते हैं तो वो सीधा जन्नत में जाते हैं, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा तो आप क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा वो तो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखती थी, तो उन्होंने कहा फिर आप केस कर दें। तो अल्लाह की नज़र में पता नहीं अल्लाह ने उनको कितने दर्जात दिए होंगे और कितना ज़बरदस्त उनका एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स पीपल। अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त दिन उनके लिए चुना था, तो मैं आपको और मैडम नूर जहाँ के हवाले से आपको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। ये जो गाना है और जो उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान की उनको एडमायर भी करता हूँ। नहीं नहीं बट सर मैं तो लंदन से आ गया था। ख्वातीन हज़रात वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। शोएब बट साहब जब मियां साहब गुजरांवाला आते थे जलसों के लिए तो उनके लिए कौन कौन सी डिशेस बनती थी, निहारी पाए हरीसा या सालम बकरा? जी वो खाना तो देखें मेहमान नवाजी जो है वो हमारे शहर की रवायात में से है। टेबल तो मैंने देखा सजे हुए और बड़े अच्छे अच्छे खाने मेज़बान जो थे हमारे उन्होंने रखे हुए थे, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ मैंने मियाँ साहब को बहुत सादा खाना खाते देखा है। दो तीन दफ़ा जो मेरा मैंने उन्हें देखा है मियाँ साहब बहुत कम खाते हैं, ऐसे खुश खुराक ज़रूर हैं वो, अच्छा खाना खाते हैं लेकिन बहुत कम खाना खाते हैं। बट साहब हमने तो सुना है अगर दस्तरखान पे मटन तो वडी बोटी ना आए तो मियाँ साहब लॉयल्टी पर शक करना शुरू कर देते। यही तो बात है कि हमारा मुल्क जो है सारा सुनी सुनाई बातों पे तो चल रहा है, अगर आप गौर फरमाएं तो जो आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है वो सारी बातों पे तो चल रहा है। कोई बंदा ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने मेरी परफॉर्मेंस किया थी, वो यही कह रहे थे ये गलत है ये चोर है ये फलां इस तरह है फलां इस तरह है, और इसी तरह का परसेप्शन दे दें क्या फ़र्क पड़ता है, आप अच्छी बात कर सकते हैं आप लोगों को अपनी बातों की तरफ तवज्जो दिला सकते हैं, तो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए और जो मर्ज़ी कहते रहे अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दिया हुआ है, वो क्यों किसी के खाने पे जाके ये सोचेंगे कि यार इसके क्या वो अपने घर में नहीं खाते, वो और लोगों को इतना खिलाते हैं। आप देखें इत्तेफाक ट्रस्ट हॉस्पिटल चल रहा है, इत्तेफाक मस्जिद सामने जो है वहाँ पे लोगों को रोज़ खाना दिया जाता है, उनके और इतने अदारे वो चला रहे हैं, तो वो एक खाने के लिए किसी की लॉयल्टी पर क्यों शक करेंगे। गोश्त देसी की बादाम हूँ एडा महंगा हो गया, तो क्या अब पहलवान पैदा होंगे? पुराने इसलिए खत्म हो गई जी गद्दे की कुश्ती निकल आई है ना। चलो मैं गाले भी कर ला हूँ एक मिनट। साढ़े इतने जो नवी कुश्ती नहीं गई चक्कर लाते ने फिर इंज करते हैं मैनू समझ नहीं लगी। नूरा कुश्ती जिन्हों कहने उदू भी पैड़ी जो पता नहीं लगता कितों की करके आए ने, तो उन्होंने चाहिए काम का बंदा कुश्ती खोले तो जिम्मे कंड लग जाए काम हो गया चले जाओ नहीं जाओ नहीं कहने नुसरत आ रहा कुश्ती आहो असि देखो यही कुश्तियाँ घुलियां ने हूँ कभी साल बाद कुश्ती दो साल बाद होती है वो भी अगों उ गल तो आ गया तो फिर कोई
ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਾ ਜੀ। हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट को ही स्पॉन्सर करती है, मगर हॉकी भी है, कुश्ती भी है, कबड्डी भी है और इतनी बेतहाशा स्पोर्ट्स हैं, उनको क्यों नहीं मल्टीनेशनल कोई स्पॉन्सर करता? ये साढ़े वाले बंदे सिर्फ ना सिर्फ घर तो घर काम करके ना हो कुश्ती एक दो पै गए ने, हूँ कबड्डी वाले लगे ने सी ठीक है यार, हम मिलने चाहिए पैसे। पैसे हूँ इन्ने को उन्होंने मिलते नहीं, उन्होंने गुजारा ही नहीं होता, नहीं चलते ही नहीं, घर का काम नहीं चलता। जे को नौकरी मिलेगी तो उन्होंने रेलवे ही ला देंगे, टोकरिया पा सुट देने गीटे तो या उन्होंने घल देंगे उत्थे दूजी बिजली आने पौड़ी चुकन से। क्रिकेट वाला मुंडा एक बार सेंचुरी बना लेंदा, उन्होंने रिश्ता भी चंगा, उन्होंने काम भी चंगे, उन्होंने नौकरी भी चंकी मिल जाती है। मुंडा हसा साढ़े नाल ही थोड़े 5 किलोमीटर से उन्होंने घर है, बच्चा खेड आता साढ़े इलाके महल ग्राउंड अल्लाह ने उन्होंने बड़ा रोज दिता है। चलो दो मैच नहीं खेलता, लेकिन मैं इस गल हैरान कि उन्हें शादी भी इंडिया ही कर ली, पाकिस्तान बंदा नहीं कर सकता शादी, जितने मर्जी कर अच्छे से अच्छा घर है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं गल तो बजाया गई जी ताड़ी, तो उन्होंने चाहिए ना अपने मुल्क कि कोई नहीं करते, फिर उन्होंने अं बहर ही जाइए सदके जावा मेरा भरा मेरा यार मेरे दिल का टोटा बुला लिया अज गोगा पहलवान जिंदाबाद। और चिल करें खलीफा जी, आप कहाँ से दोस्त बनी फिर रहे हैं गोगा पहलवान जी के? पुत्र ये हमारी डिस्टेंस दोस्ती है, साड़ी दोस्ती सैटेलाइट के जरिए हुई सी। अच्छा, मैं उदन ही अपना यार मान लिया गोगे पहलवान नु जिदन इन्हें राजू राकेट नु लम्मिया पाता सी। अच्छा, ते राजू राकेट से आपकी दुश्मनी थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे हो तो मैंने मुँह ही नहीं सी लाउंदा। असल च उन्हें मेरा नंबर भी ब्लॉक से लाया सी। अच्छा, ए मैनू वट ही बड़ा सी ओदे ते। आ भट साहब इधर देखो, अरे सेक्टर पहलवान, लेकिन आजकल हमारी पहलवानी पे किसी ने बंदिश लगा दी है। हाँ जी, अब तो हम सारे दौ पेच ही भूल गए, अब तो नारा भी नहीं लगा सकते, आएगा भाई आएगा, सामने से पूछते कौन आएगा, मैंने पता नहीं कोई आएगा शायद। बस जी गोगा पहलवान साहब से मशवरा लेने आया, कोई मुफीद मशवरा दे दें जी। वे मरे तू तो मोबाइल से परस खो खो के पहलवान बने, तेरा मशवरा मैं कीता लग तेरे खाड़े की थोड़ी जी मिट्टी पाई तू टह जाना। और नाम बदल कर दामाद को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली औरत, ये मेरा टैलेंट है, तुम भी पहलवान है और गोगा जी से इंस्पायर हैं। तू ही इंज समझो बट जी, ये पहलवाना दा राजा रे आए शगिर्द मेरा ते इंस्पायर जेड़ा गोगे पहलवान तो। अच्छा, अगर आप गोगा पहलवान से इंस्पायर्ड हैं तो आपने इनसे क्या सीखा है? ओ जी, गोगा पहलवान साहब से मैंने कुंडा डालना सीखा है, ये भी कुंडा डालते हैं तो मैं भी कुंडा डालता हूँ, ये अलग बात है, पहलवानों को डालते हैं, मैं बिजली के तारों को डालता हूँ। हाँ जी, तो ऐसे कुंडे की वजह तो साड़ा कमरा ठंडा रहता है, नहीं तो तुहानू पता ही है एसी अजकल खुद डीसी होया है। और जी अभी मेरा पिछले हफ्ते मुकाबला हुआ है 6 घंटे 7 सेकंड। है? इतना लंबा? नहीं नहीं, मुकाबला तो 7 सेकंड का हुआ था, 6 घंटे तो मुझे होश में लाते रहे वो। बड़ा मैं जहरीला किस्म का पहलवान हूँ, किसी पहलवान को झप्पी बालू ना सारी जिंदगी उसकी फिर खारिश नहीं जाती। हाँ जी, 6-7 पहलवान थे घुल के खुरक की वजह तो मरे ने। मैं तो कैंची ऐसी डालता हूँ कि सामने वाले पहलवान की टांगे फिर सारी जिंदगी तरपाले काटती हैं बस। खलीफा जी माइंड ना करना, ऐ ताड़ा पट्ठा है। धंटक नक दल ताटक टक दल धंटक नक दल ताटक टक दल जंपाक जंपाक जंपा आ। मैं इमली पहलवान खलीफा जी दा खास पट्ठा जिहड़ा जवाब दे चुका है। पेड़ फटे मुंह ते असल च पट्ठा मैनू जवाब दे गया ते डॉक्टर इहनू जवाब दे गए ने। ओ जी ये इमली पहलवान, इसे हमने रखा हुआ है कि सामने वाले पहलवान के दांत खट्टे करेगा, लेकिन इसने हमारा दिल ही खट्टा कर दिया है। क्यों? बस जी देख के देख लो कैसा खट्टा होता है फिर। खलीफा जी ये 70% डिस्काउंट पे मिला आपको? ये पुत्र बट लिया थे मैं वारंटी च सी, पहला ही धो धोता है तो श्रिंग हो गया।
रेसलिंग अब खेल नहीं इंटरटेनमेंट बन गई है और मैं WWE चैंपियनशिप में जाके आपका नाम रोशन करूंगा। पुत्र एदा सब तो वड्डा फायदा तेनू दसा जिद्दन दा ए घर च आया सारे चूहे मुक गए ने। गोगा जी हम आपसे एक अपना मसला डिस्कस करना चाहते हैं। वो डॉक्टर नहीं है कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढे इस उम्र में होता है। ओ चुपा अच्छा अपना पहलवान जी जब मैं सरदाई पीता मुझे उल्टियां क्यों लग जाती हैं? बहुत अच्छे पुत्र सरदाई नू पूछना पहले ओ तेनू वेखदी उनू उल्टियां लग जांदियां। ताकतवर शायद इस उम्र में सरदाई पीनी नहीं चाहिए। ना जी उन्हें कहा ताकतवर है इस उम्र में आपको सरदाई नहीं पीनी चाहिए। वैसे जिद्दां दी तेरी सेहत है ना तू सरदाई प्याले च नहीं पीनी पुत्र अगे तो सरिंज च भर के लवा लेनी। सुपर ओवर फुल फॉर्म में है तो क्यों ना सरवत से एक खूबसूरत सा गाना सुने। लेकिन भट्ट साहब आपकी फरमाइश। ये इनका नाम लता से जोड़ा जा रहा है तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी वो देखते हैं कैसा गाती हैं तो पंख होते तो उड़ाती रहे। अरे ये गा के सुनाए तो मैं समझता हूँ कि पता चल जाएगा ये अच्छा गा रही थी या लता ने अच्छा गाया था। आपको तो मालूम है कि इनके जो वीडियो है उसके ऊपर 70 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 25,000 से ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं। मैं ये चाह रहा था कि ये लाइव मेरे सामने परफॉर्म करें क्योंकि 70 मिलियन से ह्यूज कि आप देखें कि इतना व्यूअर्स का देखना एक बड़ी बात है। तो मुझे मैं देखना चाहता कि ऐसा तो नहीं कि RTS सिस्टम जैसे 2018 में इलेक्शन के नतीजे को बैठा दिया गया था तो उसी सिस्टम के जरिए इनका ये व्यू आ गया। आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं सुपर ओवर। नहीं नहीं अंडे ना खाएं आप टीका लगवाएं बिल्कुल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर पहलवान जी जब आप घुड़ रहे थे तो आप हाईएस्ट पेड पहलवान थे टैक्स कितना देंदे सी? टैक्स ना उदो दिता ही ना हुन देने उन्होंने मेहरबानी हो उन्होंने आंदे छाई चलने भाई की हाल मैं ठीक है। उनसे टैक्स लेके किसी ने मरना है? नहीं नहीं ये वाहिद पहलवान है कि कोई आपको सिंगल बंदा नजर नहीं आएगा जो इनकी तरफ उंगली उठा के इनकी कोई कहे कि इन्होंने कोई ज्यादती कभी की है। टैक्स ना लेने से मुराद इनकी ये है कि लोग इनकी इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं जरा सादे भी हैं हमारे भाई तो देखें बिलों में और जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो तो ज़ाहिर पे करते ही हैं वो किसी दूसरे किस्म के टैक्स की बात कर रहे हैं। उगा पहलवान तो बहुत बड़ा नाम है पहलवानी की दुनिया में और रियल लाइफ में तो ये अल्लाह लोग हैं नो डाउट। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट ए जगह टैक्स है भी मशहूर हो ऐसी असल तो गोगा टैक्स होना चाहिए। अगर ये लगाते तो अच्छे कामों में भी खर्च करते थे। गोगा टैक्स ते ऐसी हंस के दे देंगे सुपर टैक्स ने जहर कड़ी है साड़ी। अच्छा ये बताएं कि अगर क्रिकेटर वजीर आजम बन सकता है तो पहलवान क्यों नहीं और पहलवान अच्छा वजीर आजम बन सकता है? इंशाल्लाह बन सकते हैं मियां साहब के सके चाचा ही पहलवानी करते हैं सराज साहब ये उन्होंने भतीजे सन जो भी इन्होंने भी कराते लेकिन उन्होंने भी पहलवानी की लेकिन असं ये गल आने जो पहलवानी की तो उन्होंने किया काम भी बड़े किए अल्लाह के फजल ना मतलब बन सकते ये क्या बात है कुलचा फरोश मत तुम में कैल्शियम की कमी भी है और नॉलेज की भी। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम बने हैं तंजानिया के नहीं। बादशाह अभी 4th दफा भी वही है समझा कर। ओवरलोडेड तारिक अजीज ये तो मैंने आपको क्यों दिया था ताकि आपकी भी इम्पोर्टेंस इस शो में नजर आए। अदरवाइज तो ऐसे लग रहा था ये लकड़ का बादशाह बैठा था। और अगर पहलवान वजीर आजम बन जाए तो सबसे पहले गुजरा वाला ना कैपिटल अनाउंस होना है। नुसरत आरा अगर पहलवान वजीर आजम बन गया तो पाकिस्तान का कौमी खेल कुश्ती होगा और कौमी गजा लाल बोटी। वैसे पहलवान वजीर आजम होवे तो कौमी मशरूब होएगा सरदाई तो कौमी लिबास होएगा लंगोट। मैं तो उस दिन का सोच रहा हूँ कि सारे पहलवान जो है ना लंगोट कस के जनरल असेंबली में बैठे होंगे और बहस कर रहे होंगे अगर तुझे लड़काने के चौक पे लंगोट पकड़ के नहीं घसीटा तो मेरा नाम नहीं। जे पहलवान वजीर आजम बन गए तो कौमी परिंदा देसी चूचा होगा। पहलवान वजीर आजम हो गए पहले तो हुए ना गौरी धमाके हूँ होने दौरी धमाके होगा। पहलवान हूँ साढ़े वजीर आजम तो IMF मारन पुठी सारे कर्जे पुठे। यंग जनरेशन IT के बजाय कैंची कुंडा और कला जंग के डिप्लोमे करेगी।
सो तारा बैठे कह रहे वो जैसे नसीम एक ही से इनकी बड़ी शक्ल मिलती है। मैंने कहा कि आपका वजन बड़ा भाड़ा है, काम कर रहे हैं। कहते हैं मेरे मोहरे में बड़ी तकलीफ शुरू होगी। अच्छा। तो मैंने कहा इतना वजन बढ़ गया कि हमारे जो बाट साहब हैं गुजरा वाला वाले, मैं नाम नहीं लेना, अगर ज्यादा दे तो ले लेते। हाँ जी, हाँ जी, ले ले। तो इनका मुंह देखे सवेला में तो बाट साहब बड़ा होता है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे क्यों। आइए पहली तस्वीर देखते हैं। हाँ जी यार, यार सारे देखो टब्बर सारे बेच आजम आया जाए कोल बह गल ताया इन्हें कुश्ती कुलाई इन्हें सारे आदि मेरी कुश्ती ना मैं अगे सुट लिया ये हैलो फड़ो ये ज्यादा थले आ गया उन्होंने देख लो मेरी धौम तो बह गया लम्मा कर लिया। ठीक है जी, वाह वाह। ये वो यादगार कुश्ती थी आपकी और जारा पहलवान की, 22 मिनट लंबी कुश्ती और 35,000 बंदा। 35,000 तो बाहर दुनिया बड़ी सी, अंदर मैं के मिल लगे हां सोटियां खा जी। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते, मलका तरनम नूर जहान कैफी और आप एक ही तस्वीर में, ये कब की तस्वीर है? दोस्ती मेरा गुजरात फिल्मा बनाना जरूर आना है तुसा चलने उ इफ्तिताह करने के बंद को फिर उ जाना पैदा दोस्त कभी ना कभी डर लग ही जाता छोटा जी। मैं क्या अपना अहमद बट मेरा ख्याल है इस मौके पर ही मैडम होना आख्या कि अच्छ गोगे भलवान आना तो खड़ाक करा। इंडिया ने पिछले सालों में दो पहलवानों पर फिल्में बनाई, एक का नाम दंगल और दूसरे का नाम सुल्तान। एक के अंदर तो उसकी बेटे नहीं थे तो बेटियों ने आके रेसलिंग की। तो मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में पहलवानों के ऊपर फिल्में क्यों नहीं बनती? ऐ भी दसो कि साढ़े पहलवान छोटे ने कि हमारे फिल्मेकर छोटे ने? हूँ साढ़े पहलवान छोटे हो गए हैं कोई 15-20 साल तो पहले बहुत तगड़े हैं साढ़े पाकिस्तान के पहलवान उन्होंने इंडिया वालों को उन्हें बहुत तरक्की कर रही है। उन्हें बिल्कुल सारी कापी मेरी फिल्म की कीती है। मैं सन 68 दे विच एक स्कूटर लिया सी जिहनूं वैस पाउंदे ने जिवें इटली का, मैं उत्ते ही जाना अखाड़े तो उत्ते ही आना हाँ। उन्हें सारी मेरी नकल लाई है। वो दुबई जाइना ही ना मैं दोस्तों कुछ तो वेख गल तो उत्थे एक दो करतार सिंह ने मेरी गल हुई तो उन्हें भला जी स्कूटर बेचना नहीं है। मैं नहीं, मैं यार मैं जाना उन खिलारशा ना सामने मेरी फैक्ट्री है। मैं बड़े गौर ना मैं फिल्म एडी नहीं कोई गौर नहीं मेहनत हाँ जाता लेकिन मैं वो फिल्म वेख के तो मेरी अकल दंग हो जाती है कि उस बंद ने किमें किया दंगल का। फिर दूजी का सुल्तान का नहीं, मैं ठीक से जो भी है सी लेकिन उस आमर खान ने कमाल की थी। अगली तस्वीर की तरफ। ओए ओए ओए, हाँ बट साहेब आप अपने उस्ताद पहलवान नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं, कहाँ कब कैसे? ये इसी साल मार्च की तस्वीर है। मैं मियाँ साहब की खैरियत दराफ्त करने गया था, उन्हें सलाम पेश करने गया था और पाकिस्तान की संतों के बारे में मेरे बहुत सारे सवाल किए। अच्छा। बहुत सारे टेक्सटाइल के मतलब बहुत सारी बातें, क्योंकि मेरे टेक्सटाइल शोबे से मेरा ताल्लुक है तो मैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी था मौजूदा, तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें पूछते रहे। मैंने देखा कि मियाँ साहब बड़े कंसर्न थे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है ख़ासतौर पर टेक्सटाइल में। तो मैंने कहा कि टेक्सटाइल के अलावा मेटल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दुनिया में। इंजीनियरिंग में लोगों ने बहुत काम किया तो चौंक इनका अपना काम इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको पता तो वो उसमें भी बड़ी उनकी नॉलेज थी। ज़ाहिर इतनी देर से वो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे वो कंसर्न मुझे शो नज़र आए कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। जी अगली तस्वीर की तरफ। बट साहब मरियम के साथ खड़े, मुझे बताएं अगला वज़ीर आज़म कौन है, हमजा या मरियम? जी देखें ये तो मेरे कायद फैसला करेंगे और वो अभी तो मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। कायद की फैमिली के बाहर भी कोई आ सकता है कि सिर्फ फैमिली आएगी? देखिए खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर आए थे आपने देखा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पार्टी को यूनाइट रखने के लिए कोई ऐसा ही लोगों को लाना पड़ता है जिसपे देखें इसमें और बहुत सारी लीडरशिप मौजूद है और बड़े सीनियर लोग हैं, ख्वाजा आसफ साहब हैं, खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं। तो आप अगर सेकंड जो हमारी लीडरशिप है वहाँ से लेके आएंगे तो किसको इग्नोर करेंगे? तो इसलिए प्रायोरिटीज़ में होती हैं चीज़ें जिसपे सब मुत्तफिक हो जाए। भाई अहमद भट्ट नून लीग से तो बड़ा दौड़ दौड़ के कमेंट करना है तू है कि उन्होंने फैमिली तो लावा को वजीर आजम बने तो मैं तरीके इंसाफ का दस हाँ है कथपान तो लावा को बंदा तेन दूर दूर तक नज़र आता जरा वजीर आजम बने। एक शाह महमूद कुरैशी है बेचारा अपने वालों 6-7 शेरवानियाँ बनवा के बैठा है।